नमस्कार, अंतरशक्ति कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज 9 दिसंबर 2019 माक्षिष का महीना है, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, दिन है सोमवार। चलिए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज के दिन किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन का तनाव भी आज खत्म हो सकता है। स्वास्थ्य सुधरेगा, धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए मूंग की दाल का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में आज अत्यधिक खर्चे और आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं। किसी प्रकार का निवेश बहुत सोच समझ कर करें। इसके अलावा किसी प्रकार का जोखिम लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने आर्थिक हानि को बचाने के लिए, साथ ही साथ आर्थिक उन्नति के लिए आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले लोगों का आज का लाभ भाव का चंद्रमा आपके पैसों से जुड़े मामलों को सुलझा सकता है। इसके अलावा आज आपके जीवन में कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा। कोई ना कोई लाभकारी कारोबारी यात्रा भी आज संभव है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का 10वां चंद्रमा आज आपके जीवन में नौकरी और व्यवसाय से संबंधित फायदेमंद साबित होने वाला है। समय आपका साथ दे रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए हरा चारा गाय को डालें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले लोग आज किसी न किसी अनजाने डर और नेगेटिव विचारों की वजह से किसी जरूरी कार्य में असफल भी हो सकते हैं। अतः आपको आज सावधान रहना होगा और पॉजिटिव बना रहना होगा। साथ ही साथ परिवार और संतान का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के अधूरे रहने से चिंताएं बढ़ेंगी। साथ ही साथ आर्थिक मोर्चे पे भी समय चिंताजनक है। करियर के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिला के आज का दिन टेंशन भरा है। अपने दिन को मजबूत बनाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों के लिए आज का 7वां चंद्रमा आपके व्यापार को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के तनाव को भी समाप्त करेगा। रोजमर्रा के कार्य भी आज आसानी से पूरे होंगे। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाना आपके लिए शुभ लाभकारी होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों का आज वर्चस्व बढ़ेगा। आप कोई ना कोई उलझा हुआ मामला भी आज सुलझा पाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा परिवार के साथ आज समय बिताना आपके जीवन के लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आज के दिन की शुरुआत करें। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले लोगों के जीवन में आज प्रेम संबंधों में सफलता के योग बन रहे हैं, परंतु आपके करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। जरूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों का 4वां चंद्रमा आज कोई ना कोई परेशानी बनाए रखेगा। आपके रोजमर्रा के कामों में भी रुकावटें बनी रहेंगी। स्वास्थ्य का पाया भी कमजोर है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए आपको गणपति के चरणों में मोदक चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आज के दिन किसी भी बिगड़े संबंध को सुधारने के लिए अच्छे मौके देगा। इसके अलावा दोस्तों और परिवार के साथ समय सुखमय बीतेगा। किसी भी लाभकारी यात्रा के योग बन सकते हैं। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन पैसों के लिहाज से कुछ अच्छा जाने वाला है। किसी प्रकार का निवेश करते हैं तो वो शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा विगत से चले आ रहे पारिवारिक तनाव को सुलझाने के लिए भी समय बहुत ही शुभ फलदायी है। अपने दिन को और बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम अंतर शक्ति। आप सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।